हाँ गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। तो आज हमारा नाश्ता बहुत पेंडिंग है, सिर्फ हमने चाय पिया है। और आज हम लोग बनाने वाले हैं दाबेली। तो दाबेली के लिए जो भी सामान चाहिए वो हमने मंगा लिया है। और ये देखो, ये जो दाबेली में हम लोग पीनट यूज़ करते हैं ना जो भी, तो उसके लिए हमने उसमें हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, शिंगदाना और फिर थोड़ा सा शक्कर और दाबेली मसाला वो डाल देंगे। और अब इसको अच्छे से भून के फिर निकाल के ठंडा कर लेंगे। दाबेली में जो आलू यूज़ करते हैं ना, उसके लिए हमने आलू को यहाँ पे बॉईल कर लिया है और अब इसको निकाल के छील लेंगे। और खट्टी चटनी के लिए हमने यहाँ पे इमली को उबलने के लिए रख दिया है ताकि उसका पूरा पल्प निकाल ले। खट्टी चटनी, तीखी चटनी, शिंगदाना और ये आलू का जो बेस रेडी होगा वो। तो अभी हम लोग बना रहे हैं तीखी चटनी। उसके लिए लहसुन में 10-15 लहसुन ले लो और उसको पानी डाल के ना एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। फिर तेल में रिफाइंड ऑयल, घी जो भी आपको चाहिए उसमें डाल के भून लो। और उसके बाद 2-3 चम्मच कश्मीरी मिर्च और आधा चम्मच तीखी लाल मिर्च डाल के इसको अच्छे से हम लोग भून लेंगे 3-4 मिनट। और जब तेल अलग हो जाएगा तो हमारी चटनी पानी रेडी। पानी बना रहे हैं। इसके लिए हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और दाबेली मसाला को अच्छे से तेल में भून लिया और फिर इमली का पल्प जो निकाला था पानी वो डाल दिया। और अब इसमें हम लोग शक्कर, आधा बाउल शक्कर डालेंगे और नमक, और उसके बाद धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डाल के अच्छे से पका लेंगे। दाबेली कहाँ पे है? ये रही दाबेली। हाँ क्या क्या सपने देखे थे, क्या क्या सोचा था, क्या से क्या हो गया। अब यही खाना पड़ेगा मिहिराज, दाबेली यही है। और लजानिया, पता है लजानिया वो है, वो लजानिया है, वो दाबेली है, खा लो आप। आज का पूरा मूड ही बिगड़ गया। और अब ये देखो, ये हम लोग जो बना रहे हैं ना, ये आलू के लिए बना रहे हैं। इसमें नॉर्मल हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च, तीखी लाल मिर्च और दाबेली मसाला डाला है 3-4 चम्मच, और बाकी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालो। और गरम पानी डाल के पहले मसाला भून लो, फिर गरम पानी डाल के अच्छे से बॉईल कर लो। अब इसमें हम लोग उबला हुआ आलू, जितना आपकी क्वांटिटी होगी उस हिसाब से डाल लो और एकदम थिक ग्रेवी बनाओ। और उसके बाद हम लोग शक्कर और नमक ऐड करके, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, बस, और आलू भी रेडी हो जाएगा। देखो ये अब मैंने इसमें उबले हुए आलू डाल दिया, अब इसको अच्छे से चलाएंगे। अब ये आलू अच्छे से इसमें घुल गया है। अब हम लोग ने नमक भी डाल दिया है। अब डालेंगे खट्टी चटनी, हमने निकाल लिया और ये एकदम थिक पेस्ट बना लिया है ताकि जैसे पाव में लगाओगे ना तो वो एकदम से अच्छे से लगनी चाहिए। और अब इसके ऊपर हम अनार, अंगूर ये सब फैलाएंगे। अब हम लोग डेकोरेट कर रहे हैं, इसमें अंगूर काट के और अब डालेंगे अनार। तो अब हमारी चटनी भी रेडी और अब हम इसको दाबेली बनाएंगे। तो अब ऐसे दाबेली हम लोग लगा रहे हैं, चटनी और ये एकदम तीखी चटनी, ये बहुत कम लगाना चाहिए। और ये शिंगदाना जो हमने बनाया था ना, तो ये मक्खन, मक्खन लगाया है। तो ये आप देखिए, आप हमने एक्चुअली, हमारे पाव थोड़े छोटे वाले मिले थे इसलिए हमने उसको 4-4 के पेयर में काटा है, तो उससे क्या बेस हमें बड़ा मिल गया। और ये हमारी दाबेली अब सिक्के एकदम तैयार होने वाली और है। और पापा ने ट्राई भी किया है, तो अब मैं आप फीडबैक लेके आता हूँ। तो पापा कैसा लगा? बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। और क्योंकि मीर को भी पसंद आया है, तो मीर आपको कैसा लगा बाबू? बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। ये वाला अच्छा है ना, इस ज़्यादा ज़्यादा था, इसमें कम कर दिया, ये ठीक है। अब ये हमारे पांडे जी घूम टहल रहे हैं और शर्मा के भाग रहे हैं। शर्मा, क्योंकि तुम शर्माते रहते हो? नहीं। हाँ अच्छा, ये शर्मा है, बहुत शर्मा रहे हैं इसलिए हमने इनका नाम शर्मा रख दिया है। और यहाँ बन रहा है हमारा हलवा। मैंने आपको वो झाड़ दिखाया था ना जो सूख गया था, पापा लेकर आए थे, तो उसमें से मम्मी ने ये राई निकाली है, ये देखो एकदम भारी, फ्री की।
और अच्छा लगेगी टेस्टी। फ्री की राई है। तो कितना रुपया रेट चल रहा है मुझे नहीं मालूम। 100 रुपये का समझो आज फायदा हुआ है हमको, हमने राई ले ली। और ये मेरा मेहू नहीं जाओगे नीचे खेलने? वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं आया? तो अभी हम लोग निकले हैं। कहाँ जा रहे निकले हैं? बस हम लोग निकले हैं बाबू के लिए थोड़ी शॉपिंग करने, तो अब देखते हैं कहाँ पे शॉपिंग होती है। और देखो बाबू, दीदी, मम्मी पापा, हम सब लोग अब देखते क्या क्या लेते हैं। हे गाइस, तो हम लोग कहाँ है मिहिर? अभी हम लोग जनेश्वर मिश्रा पार्क में हैं। यहाँ पे क्या है? अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे अब उधर फाउंटेन है और भी कई चीजें। बहुत बड़ा पार्क है और मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक छोटा सा व्यू। ये देखिए, ये पार्क की एंट्रेंस पे ही बहुत बड़ा टैंक बना रखा है। और इधर देखिए, ये फाउंटेन एकदम पार्क के एंट्रेंस पे ही है। ये इसका एंट्रेंस गेट है और ये फाउंटेन है, कलरफुल फाउंटेन। और आगे एंट्रेंस है मेन पार्क की एंट्री का, वो देखिए आप आगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अंदर एयरप्लेन भी बना हुआ है तो, और उधर भी टैंक है। तो बेसिकली इस पार्क की एंट्री पे दोनों तरफ टैंक बने हुए हैं, फाउंटेन है और अंदर एयरफोर्स का प्लेन खड़ा कर रखा है। सब मैं आपको दिखाता हूँ, हम पार्क की एंट्री कर चुके हैं। और अभी कुछ दिन पहले से ही जनेश्वर मिश्रा पार्क में एक लेजर शो शुरू हुआ है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। पहले मैं आपको जो प्लेन की बात कर रहा था वो दिखाता हूँ। जैसे बाहर दो टैंक्स बना रखे हैं, वो जनेश्वर मिश्रा जी की मूर्ति, और जैसे बाहर दो टैंक्स रखे हैं ऐसे अंदर ही एक एयरप्लेन का मिनिएचर बना रखा है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको लेजर शो। ये देखिए, ऐसे एक फिल्म चलती है जो कि पूरा व्यू दिखाती है। और ये वहाँ से पूरा, आप वो देख रहे होंगे उस तरफ, पूरा इस तरीके से फूल बना के पूरे हर तरफ लेज़र शो चलता है। सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊँ, इस पार्क में एंट्री भी फ्री है, ये लेज़र शो भी फ्री है और सब कुछ फ्री है। तो ओवरऑल बहुत ही, मतलब मैं बोलूँगा कि गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है लखनऊ में एक बहुत सुंदर पार्क और उसमें ये लेज़र शो ऐड करने का जो उन्होंने वो किया है। ये देखो, ये है लेज़र शो, ये वो लेज़र शो। पापा हमको शूट कर रहे हैं, हम पापा का देखो कितना सही है। ये अभी कुछ दिन पहले ही बना है लेज़र शो। एक्चुअली सॉन्ग आ रहा है और सॉन्ग के बीट के ऊपर से ये वेव और पूरा कलर वगैरह हो रहा है उसके हिसाब से। ये देखो, ये कैमल राइड भी यहाँ पे होती है, इसको सजा के रखा है इसको। पर हम कहीं और अब जा रहे हैं इसलिए अब हम नहीं बैठेंगे। एक्चुअली पहले ये पार्क में हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे बहुत बार, हम लोग पापा मम्मी सब लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक आते थे। अब एक्चुअली इस पार्क में और भी सुंदर कर दिया, तो एक काइंड ऑफ अभी एक पिकनिक स्पॉट हो चुका है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो अब हम लोग शायद एक जगह और जाएंगे, तो देखते हैं अगर हम वहाँ जाते हैं तो लखनऊ की वो सबसे फेमस चीज़ है, तो अगर हम वहाँ जाते हैं तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं चटोरी गली। तो चटोरी गली जाने के लिए, और देखो कितना एक्चुअली लाइटनिंग बहुत है, सरकार थोड़ी लाइटनिंग कर देती है हमारे लिए। ये है चटोरी गली, आप देख सकते हैं यहाँ सब कुछ एकदम भरा पड़ा हुआ है खाने का। चटोरी गली और सबसे बड़ी चटोरी, तो ये आ गई है। मुझे मेरी बहनों की और जीजू की याद आ रही है अभी। आज चटोरी गली को सफा चट करने, देखिए ये देखिए, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो यहाँ ना मिले खाने के लिए, आप देख सकते हैं बहुत दूर तक बनी हुई है ये पूरी चटोरी गली। देखो ये हमने लिए कचौरी और कचौरी खा रहे नहीं खाना। ये देखो कचौरी, और अब हम लोग ले रहे हैं चाप। मैं देखो चाय कैसे रोस्ट हो
कप्स होते हैं और इसी रोस्टेड कप्स में वो चाय पड़ेगी मस्त। ये देखो गरम कुल्हड़ में डाली चाय और एकदम ऐसे निकल रही है, देखो कितनी लाल लाल, बाप रे। अब ये हुई हमारी चाय। हम लोग चटोरी गली से निकल गए और जा रहे हैं घर। खटोरी गली अब चल रही है। अब चल रहे हैं हमारी खटोरी, हमारी अपनी गली, हमारी अपनी गली, घर की गली। लेकिन बाबू को जाना था, यहाँ पर भी एक पार्क है, वहाँ पे भी रिवर फ्रंट किनारे, वही सीसो रिवर फ्रंट, रिवर फ्रंट पे, पर बाबू बेचारा जा नहीं पाया।